मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस पौधे की जड़ के चमत्कारी टोटके से धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, और भी मिलते हैं लाभ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। प्राचीन समय से ही तांत्रिक क्रियाओं का बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर वो चीज आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, बता दें, तांत्रिक क्रिया और टोने टोटके आदि का इस्तेमाल किसी को वश में करने के लिए या किसी को गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए, पति को किसी दूसरी स्त्री के चंगुल से छुड़ाना हो या किसी को बड़ी समस्या से छुटकारा दिलवाना हो, ऐसी तमाम बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में, जिसका टोटका कर लेने से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं इस खास पौधे की जड़ के बारे में, साथ ही इसके असरदार टोटके भी। शास्त्रों के अनुसार पौधों के कई धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी बताए गए हैं, और इसी तरह का एक चमत्कारी पौधा है आक का पौधा। इस पौधे के कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। आक से कई तरह के चमत्कारिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारे घर या घर के आसपास ही आसानी से देखने को मिल जाया करता है। सामान्यतया जंगलों में आसानी से पनप जाता है, लेकिन आजकल शहरों में यह आसानी से दिखाई दे जाता है। वैसे तो माना जाता है यह एक विषैला पौधा है, मगर इसके कई सारे फायदे भी हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें, आग के इस चमत्कारी पौधे को हम सभी आम भाषा में मदार के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे। सबसे पहले तो आपको बताते हैं, यदि आपकी आँख में रह रह कर दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने दूसरे पैर के अंगूठे पर श्वेत यानी सफेद आग के दूध से पूरी तरह गीला करके कुछ देर रख लीजिए। इससे आपको काफी राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप आग के पौधे को अपने घर के द्वार पर लगा देंगे, तो आपके घर पर किसी भी बुरी शक्ति का वास नहीं होगा। साथ ही साथ आपके घर पर किसी टोने टोटके का असर नहीं होगा, और आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आग पौधे की जड़ का टोटका यदि आप कर लेते हैं, तो इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत हो जाती है। इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप जब ये जड़ी बूटी लेकर आए, तो पीछे पलटकर ना देखें। माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी जड़ी बूटी को लाने का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह से इस जड़ी बूटी को रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग या शनि पुष्य योग में प्राप्त किया जाए, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय हेतु आद्रा नक्षत्र में आग की जड़ लाकर तावीज की तरह गले में बांधें, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया आग अथवा मदार के पौधे के तथा उसके जड़ के चमत्कारी टोटके के विषय में। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी, तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा घंटी दबाना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।